नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अचूक प्राचीन टोटके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। हर व्यक्ति चाहता है धनवान बनना, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। इसमें कुछ ही कुछ लोग सफल हो पाते हैं। दोस्तों, यह कलयुग आ गया है, यानी कि कलयुग है। अगर आपके पास में धन है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप कितने भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जनी व्यक्ति क्यों ना हो, धार्मिक व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास में धन नहीं है तो धन के भाव में व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करेंगे। दोस्तों, धन होने पर हम जो धर्म भी करते हैं और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान करें तो उसमें हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आप आज को कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जितना ज़्यादा यह शब्द बोलेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में धन आएगा, धन प्राप्ति करने का यह अचूक उपाय है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर करें, इससे आपको अवश्य ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। पहला प्रयोग दोस्तों यह है जो कि अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी। यह उपाय आपको किसी भी अमावस्या के दिन करना है या आप पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। चौराहे पर जाना है, किसी भी जगह के चौराहे पर जा सकते हैं। आपको एक कपूर लेना है और देसी कपूर आपको लेना है। यह देसी कपूर आपको किसी भी पूजा पाठ के दुकान में मिल जाएगा। तो चौराहे पर आपको जाना है, एक कपूर लेना है, उसके ऊपर में दो लौंग डाल देना है, दो फूल वाले लौंग आपको डाल देना है और डाल करके जला देना है। नित्य 11 दिनों तक यह उपाय करना है। अमावस्या या पूर्णिमा से नित्य 11 दिनों तक इस उपाय को आपको करना है। किसी भी चौराहे पर जाकर बस आपको जलाना है, तो एक अदृश्य शक्ति आपकी मदद करेंगे, आपकी कुंडली में धन योग बनाएंगे, आपको सपने के माध्यम से धन प्रदान करेंगे। बस इच्छा यही करना है कि इस कार्य के लिए बस आपको कपूर जलाते वक्त अपनी इच्छा को बोलना है। जिस भी कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस इच्छा को आपको बोलना है। यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके विषय में भी आप बोल सकते हैं। यह टोटके इतने ज़्यादा शक्तिशाली है, कभी भी यह विफल नहीं जाते। दूसरा प्रयोग एक ऐसा हम आपको बताएंगे, यह शाबर मंत्र है, क्योंकि शाबर मंत्र का प्रयोग भगवान शंकर जी करते हैं। शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार से है जो आपको बहुत ज़्यादा शक्ति देंगे। जितना ज़्यादा इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जप करोगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में धन आएगा। तो यह मंत्र कुछ इस प्रकार से है, धन धन मेरा धन, लक्ष्मी दे मेरा धन, न दे तो विष्णु की आन बाबा शिव की वाचा, नवनाथ 84 सिद्धन की दुहाई। दोस्तों, यह शाबर मंत्र है, शाबर मंत्र का प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। हमने इसे स्क्रीन पर भी आपको लिख कर दिया है, इसे आप पेन कॉपी में नोट करके रख लें और आप इसे जितना ज़्यादा जपेंगे उतना ही ज़्यादा आपको तरक्की मिलेंगी, धन की प्राप्ति होगी। भोजपत्र या कोरे कागज पर 108 की संख्या में काट लेना और श्री लिख करके नदी की जो धारा है, जो दो धारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बहाने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। जितना ज़्यादा लिख करके आप इस शब्द को बहाएंगे, ऐसा करने से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली।